नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल राम जी। और दोस्तों आज के एपिसोड में रियलमी 5 में आ चुका है C.49 का अपडेट और इस अपडेट में बताया जा रहा है बहुत सारे बग्स को फिक्स कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये बताया नहीं जा रहा बल्कि सही बात है। यहाँ पर देख लीजिए, ये डिवाइस ने रियलमी 5 लिखा हुआ है, अपडेट देख सकते हैं, बिल्ड नंबर C.49 है जो भाई बहुत सारे सिलेक्टेड यूजर्स को ही दिया गया और बाकी लोगों को नहीं मिला है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मिला है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल राम जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं जल्दी से भाई अपडेट के बारे में। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले भाई मैं डार्क मोड हटा देना चाहता हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है डार्क मोड में वीडियोज़ बनाने में। तो यहाँ पर जो दोस्तों अभी सॉफ्टवेयर अपडेट में यहाँ पर कल प्रॉब्लम आ रहा था, नो नेटवर्क कनेक्शन, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है दोस्तों। बहुत लोग बोल रहे थे कि साइबर अटैक हो गया है, हैकर ने अटैक कर दिया, ये हुए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आ जाती है भाई प्रॉब्लम सर्वर वगैरह में, इसलिए ऐसा दिक्कत दिखाता है। तो कोई बात नहीं है, 238 MB का अपडेट है जिसमें बहुत ही बड़ा अपडेट तो नहीं था, बहुत छोटा अपडेट था, लेकिन प्रॉब्लम्स बड़े बड़े फिक्स करके गया है भाई। ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो रियलमी 5 अपडेट के बाद कोई भी रियलमी 5 का यूज़र को रियलमी UI एंड्रॉयड 10 का अपडेट बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। पर्सनली बताऊँ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साथ लेके आया था, तो मुझे भी गुस्सा आता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा लिस्ट है। अब इतना बड़ा लिस्ट तो मैं आपको नहीं पकड़ के बताऊंगा, बस ऊपर का जो 3 डॉट है यानी कि पहला 3 वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और जो भी बाकी सारे हैं वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से जाकर पढ़ लेना जिन जिन सिलेक्टेड यूजर्स को अपडेट नहीं मिला। तो पहला देख सकते हैं पावर बटन के प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है। फिर जो हम लोग ईयरफोन लगा के जो ईयरफोन नहीं जो ब्लूटूथ लगा के जो लोग खेलते थे ना पबजी, तो लेटेंसी में या फिर कुछ ब्लूटूथ कनेक्शन में प्रॉब्लम आता था पबजी खेलते दौरान, उसे फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड फन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोग्राफी प्रीव्यू इंटरफेस पोर्ट्रेट मोड, इसे भी फिक्स कर दिया गया है। और नीचे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा लिस्ट है, जब जानते हैं अगर भाई मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाने वाला है भाई, डिस्क्रिप्शन खोल के आराम से पढ़ लेना ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर से बता देना चाहता हूँ कि फ्रंट एंड रियर कैमरा में जितने सारे बग्स थे उनको फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद जो दोस्तों स्क्रीन के बगल में जो है ब्लैक कलर का एक लाइन आता था उसे भी फिक्स कर दिया गया, कमी कमी लोगों को आता था लेकिन उसे भी हटा दिया गया है। फोटो खींचने के बाद जो है फोटो क्लिक करने के बाद जब हम लोग फोटो को प्रीव्यू करते थे देखते थे तो उस पर कुछ ग्रीन कलर का लाइन आता था। उसके बाद नो सिम कार्ड यानी कि सिम कार्ड लगाने के बाद भी प्रॉब्लम, और उसके बाद इमरजेंसी कॉल में, और जितने सारे प्रॉब्लम्स थे जैसे कि वो वाईफाई किसी का काम नहीं करता था या फिर वो वाईफाई एनेबल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जा रहा है, बहुत सारे ऐसे बग्स थे रियलमी 5 में रियलमी UI अपडेट करने के बाद जो प्रॉब्लम होते थे। लेकिन अब C.49 अपडेट के बाद जो है सारे बग्स को फिक्स कर दिया गया है, और जिन लोगों को मिला है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल का घंटा भी दबा दीजिए कि हमारे वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।